तो यार हेलो, कैसे स्वागत है आपका हमारे आज के मज़ेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर के लिए आए हैं आपके लिए बहुत एक ऐसा लैपटॉप जो कि आपके हर काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप होम के काम घर के कामों के लिए कुछ लेना चाहते हैं, चाहे अपने ऑफिस के काम के लिए लेना चाहते हैं, चाहे आप वीडियो एडिटिंग करने के लिए लेना चाहते हैं, फिर चाहे आप गेमिंग करने के लिए ही क्यों ना लेना चाहते हैं, ये लैपटॉप हर जगह आपको बेस्ट ही देगा। बात करते हैं इसके बॉक्स के बारे में। अच्छा, ये फ्रंट है। तो वैसे सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स के बारे में। तो सामने आपको मिल जाता है इस फ्रंट पे सिर्फ बड़ा सा एचपी का लोगो और कुछ नहीं। फिर इधर इस साइड आपको इसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाता है। इसका मॉडल नंबर है 15EG2036TU, ठीक है। और इसके यहाँ पे इसका कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे आपको यहाँ पे i5 मिल जाता है, 512 GB, 16 GB RAM। इसके अंदर बताते हैं अभी सब कुछ, हमें बताते हैं वीडियो के अंदर सब कुछ है। और फिर इधर थोड़ा इसका इंफॉर्मेशन वगैरह हुआ है। और पीछे तरफ आपको इसमें इंटेल इनसाइड, यानी कि इसके अंदर इंटेल का प्रोसेसर है। और फिर इधर आपको ये थोड़ा सा बॉक्स को सेफ्टी के लिए ये चीज़ है। और फिर इधर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम और स्टूडेंट वालों का मिल गया। और नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लासिक ऐप इंक्लूडिंग ऑन दिस PC, यानी कि छोटा मोटा जो क्लासिक ऐप होता है उस इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। वैसे कुछ इस टाइप का होता है इसका बॉक्स। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है, फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग बिना किसी देरी के। अनबॉक्सिंग और देखते हैं ये कैसा है। और मैंने देखिए, मैंने जो प्रोडक्ट को पहले खोल के रखा हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट को चेक करना होता है, तो मैंने प्रोडक्ट को खोला हुआ था। और दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है। सबसे पहले मिलता है एक आपको चार्जिंग केबल। गाइस यार, अगर मैं आपको दिखाऊं, रुक वेट अ मिनट। हाँ देखिए गाइस यार, काफ़ी मतलब आप देख रहे हैं, मतलब काफ़ी मोटी वायर है। इतनी मोटी वायर तो शायद घर में भी नहीं यूज़ होती। देख रहे हैं गाइस यार, ये आपको सॉकेट मिल जाएगा, ये इतनी मोटी वायर है। और फिर ये है 65 वाट का एडेप्टर। जी हाँ गाइस यार, ये लैपटॉप जो है वो 65 वाट सपोर्ट करता है, तो इसका ये है। और अगर मैं दिखाऊँ इसका वायर, ऐसे इसका वायर काफ़ी बड़ा है, 2 से 2.5 मीटर की इसकी वायर मिल जाती है और इसका एडाप्टर। और ये ऐसे लग जाएगा, और इसको आप लगाइए सॉकेट सॉकेट में, और इसको आप लगाइए लैपटॉप, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे आइटम में। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे आइटम में। यहाँ पे हमारा आ जाता है हमारा प्यारा सा लैपटॉप, एक बहुत सेफ पैकेजिंग में। वैसे देख सकते हैं, वैसे आपको मैं बता दूँ, HP की पैकेजिंग जो होती है वो बहुत सेफ सेफ पैकेजिंग में से एक मानी जाती है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फोम वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, जिसके आपके लैपटॉप को कुछ होगा नहीं है, तो 100% है। फिर बात करते हैं इसके कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो इसको मैंने ओपन किया हुआ था, तो कुछ है नहीं इसके अंदर। ये कुछ आपको यूज़र मैनुअल वगैरह मिल जाते हैं, जो कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए, वरना तो नहीं। और उसको भी करते हैं साइड में, और देख सकते हैं गाइस इसके अंदर तो और कुछ तो है नहीं। ये देखिए, इसके अंदर और कुछ नहीं है, तो इसको करते हैं फटाफट से साइड में। तो गाइस अब बात करते हैं हमारे लैपटॉप के बारे में। तो ये देखिए, इसको करते हैं ओपन। एक हमारे पॉलिथीन में पैक होके ये है, देखते हैं गाइस। इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये हमारा लैपटॉप, इसको भी करते हैं साइड में। तो चलिए गाइस करते हैं अपने लैपटॉप को ओपन। ये पॉलिथीन को करते हैं साइड में, लोकेट। गाइस यार, पूरा एकदम मैट
एकदम मैट डिज़ाइन इसमें की गई हुई है, बहुत प्यारा लगता है गाइस, टच करने में बहुत प्यारा लगता है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप कोई शार्प चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो स्क्रैचेस बिल्कुल आ सकते हैं, और प्रिंटिंग वगैरह भी नहीं आएंगे, जो फिंगरप्रिंट इस पर लग जाते हैं वो सब भी नहीं आएंगे। और फिर मैं दिखाऊँ आपको, अगर इधर बात करें इसके राइट तरफ आपको मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट, है ना, जिससे 65 वाट लग के चार्ज होगा। और फिर इधर आपको मिल जाता है एक यूएसबी टाइप ए, और फिर इधर आता है कंस्ट्रक्शन लॉक। कैसे कंस्ट्रक्शन लॉक वो होता है कि जिससे आप अपने इसे यहाँ पे बांध के आप किसी टेबल वगैरह पे रख सकते हैं, तो ये चीज़ है। और फिर इसके पीछे की तरफ आपको मैं दिखाऊँ, पीछे की तरफ यहाँ पे एक रबड़ आपको देखने को मिल जाता है, इस तरफ भी इस तरफ भी। इससे क्या होगा कि आप जब इसको खोलेंगे तो ये पीछे से टच ना हो, आपका ये फ्रेम बचा हुआ रहे। फिर इधर आपको पवेलियन लिखा हुआ दिख जाएगा, ये देखिए ये पवेलियन सीरीज़ का लैपटॉप है। तो आप फिर बात करते हैं इसके लेफ्ट तरफ आपको इधर HDMI का पोर्ट मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है। फिर आप इधर आपको मिल जाता है एक और USB टाइप ए, और इधर आपको मिल जाता है एक USB टाइप सी का पोर्ट, जो इससे आप पावर डिलीवर कर सकते हैं और 10 GBPS के हिसाब स्पीड से नेटवर्क डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर इधर एक आता है ऑक्स का पोर्ट, ठीक है। वैसे लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लिम है, बहुत ज़्यादा पतला है, और काफ़ी हल्का भी है, आप इसे आराम से कैरी कर पाएंगे। 1.5 किलो का है, ज़्यादा नहीं, 1.57 समथिंग वगैरह है। तो चलिए खुलते हैं इसे और देखते हैं कैसा है। तो कैसे चलते हैं, करते हैं इसको ओपन और देखते हैं क्या है। भाई यार, सबसे पहले बात करते हैं इसके कीबोर्ड वगैरह के बारे में। तो इधर आपको एक स्टिकर मिल जाता है, यहाँ पे नंबर वगैरह व्हाट्सएप नंबर वगैरह मिल जाता है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है पवेलियन, बहुत प्यारा लगता है भाई सर। और फिर इधर यहाँ पे आपको सीधा सीधा वार्निंग दी गई है कि आप इसके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह को आप डिलीट ना करें। और फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है इंटेल i5, जो मेरे इस वाले लैपटॉप के अंदर है वो है इंटेल i5, इंटेल i7 का भी ऑप्शन है। और फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है इंटीग्रेटेड, यहाँ पे अलग से एक ग्राफिक कार्ड, आईरिस, इंटेल का आईरिस ग्राफिक कार्ड है। और ऐसे मैं सबसे बहुत बढ़िया बात मैं बताऊँ, ये जो B&O की आपको यहाँ पे बैजिंग दिख रही है, पता है किसके लिए होती है? ये होता है कि यानी इसके अंदर जो ओशियन प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल किया गया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। और फिर इधर आपको एक मिलता है फुल साइज़ नंबरिंग कीबोर्ड, यहाँ पे आपको मिल जाता है और सिल्वर रंग में, और ये बैकलिट है। वैसे वाकई में जब ये रात में जलता है बहुत प्यारा लगता है। अगर मैं आपको अगर दिखाऊँ तो वैसे आप देख सकते हैं रात में बहुत प्यारा लगता है ये जलते समय, और ये कुछ इस टाइप का दिखता है बैकलिट कीबोर्ड, देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और कैसे यहाँ पे सबसे मेन बात जो होती है, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक रीडर, ठीक है, जो फिंगरप्रिंट रीडर। तो कैसे आप बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, कैसे इसके डिस्प्ले के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि कैसे इसके अंदर जो डिस्प्ले आपको मिलता है वो फुल HD है। और फिर यहाँ पे आपको इसके एजेस आप देखेंगे, लगभग बेजललेस एजेस का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एजेस एकदम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई एजेस, मतलब बहुत कम एजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर कैसे 100% sRGB डिस्प्ले है, यानी कि अगर आप वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग वगैरह करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर इधर आप, जिन लोगों को नहीं पता sRGB डिस्प्ले क्या होता है, मैं बता दूँ, जो नेचुरल कलर होता है वही कलर आप डिस्प्ले में भी दिखाएगा, उसी को कहते हैं 100% sRGB डिस्प्ले। कैसे इसके अंदर 250 निट्स की ब्राइटनेस आ जाती है, दिखाता हूँ मैं आपकी ब्राइटनेस, देखिए ब्राइटनेस लगभग बहुत कम हो जाती है, और बढ़ाना चाहें देखिए वैसे काफ़ी ब्राइट हो जाती है। हाँ, सनलाइट में यूज़ करने में आपको थोड़ा दिक्कत वगैरह हो सकता है, वरना ऑल दो काफ़ी ठीक ठाक है। ये देखिए, ये थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो गाइस यार फिर इसके अंदर जो आपको IPS डिस्प्ले मिल जाती है। और गाइस यार अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस डिस्प्ले के ऊपर फिजिकली, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दो होल्स देखने को मिल जाएंगे। ये जो होल्स हैं ये हैं इसके माइक के होल्स, और यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा एक LED इंडिकेटर, जो कि कैमरा ऑन होने पर ये दिखाएगा।
ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कैमरा बहुत बेसिक से कैमरा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा नहीं है। हाँ लैपटॉप में कैमरा आ रहा है ये बहुत बड़ी बात है। 720p का यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत नॉइस रिडक्शन कर देता है ये कैमरा, इसका ये काम है। तो गाइस यार हमने यहाँ पे एक 4K में वीडियो चला लिया, आप देख सकते हैं। गाइस यार इसका आप एक बार ग्राफिक्स तो देखिए गाइस यार, कितना तगड़ा इसका वो है, ये देखिए गाइस। वैसे देखने में बहुत अच्छा, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है इसलिए वीडियो रुक रही है, वरना आप देखिए कितना तगड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार इसलिए मैं बोला था ये है इसकी स्क्रीन की पावर। गाइस यार बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे स्क्रीन का देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार हम बहुत बात कर लिया इसके बाहर बाहर, अब बात करते हैं इसके अंदर की, इसके अंदर क्या क्या है। तो गाइस यार पहले इसके डिस्प्ले के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आपको नाइट मोड ऑन का यहाँ पे देखिए सबसे कम ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस सबसे फुल भी हो जाती है, और 250 nits का ब्राइटनेस होता है, आपको पता है बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। और रेजोल्यूशन इसका बात करें तो 1920x180 यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है, लैंडस्केप हमें है। और फिर बात करें अगर इसके साउंड के बारे में, साउंड ये देखिए अभी 12 बजे बहुत ज़्यादा स्पीकर इसका लाउड है। फिर यहाँ पे आपको दो टाइप की माइक देखने को मिल जाता है, एक आता है आपको माइक्रोसॉफ्ट एरे और माइक्रोफोन एरे जो कि इंटेल का स्मार्ट साउंड टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, ये देखिए इंटेल का स्मार्ट साउंड टेक्नोलॉजी पे, और एक इसका लैपटॉप का पर्सनल माइक आता है। और गाइज यार स्पीकर में मतलब जो इसका स्पीकर है उसमें आपको मोनो ऑडियो का देखने को मिल जाएगा, मोनो ऑडियो। वैसे जिन लोगों को नहीं पता मोनो ऑडियो क्या होता है मैं बता दूं, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों के स्पीकर एक साथ वर्क करेंगे तो ज़्यादा आवाज़ आती है एक साथ, इसलिए। गाइस यार अगर नोटिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे आपको हर टाइप की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है, और फिर यहाँ पे आपको फोकस मोड वगैरह भी प्रोवाइड किया गया हुआ है, और डिस्ट्रक्शन मोड भी आपको यहाँ पे जो रिड्यूस कर देगा डिस्ट्रक्शन, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके पावर के बारे में। गाइस यार इसका तो 100% अभी पावर है क्योंकि चार्जिंग में लगा हुआ है। गाइस इसका बैटरी बैकअप बहुत बहुत मतलब अच्छा नहीं है, मतलब ठीक भी नहीं है गाइस यार, क्योंकि इसके अंदर 41 वाट आवर की बस बैटरी दी गई है जो कि बहुत कम है। आप यहाँ पे देखा इसका एनालिसिस करें तो कितना जल्दी जल्दी वो होता है, और अभी भी चार्जिंग डिलीवर दिखाई जा रहा है, बहुत जल्दी इसका चार्जिंग उतर जाता है गाइस यार। पर फिगर करने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 65 वाट अडेप्टर है इसके पास, तो मतलब 65 वाट फास्ट चार्जर है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। पर अगर आप इसे पर्सनली बैठ के अगर कहीं यूज़ कर रहे हैं और जहाँ पे आपके पास आपका चार्जर नहीं है तो दिक्कत हो सकता है। फिर बात कर लेते हैं अगर इसके स्टोरेज के बारे में, स्टोरेज यहाँ पे आपको 512 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिस और 1 TB की भी ऑप्शन है, ऐसा बात नहीं है, 1 TB का थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है इसलिए। फिर बात करते हैं इधर आपको मल्टीटास्किंग, और गाइस ये लैपटॉप है ये स्पेशली मल्टीटास्किंग के लिए ही बनाया गया, मल्टीटास्किंग और प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए तो बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको नियर शेयर का भी ऑप्शन है, फिर एक्टिवेशन का, फिर रिकवरी का वगैरह वगैरह सारी चीज़ का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और फिर अगर इसके अबाउट के बारे में जाके बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 12th जनरेशन है ना, इंटर का 12th जनरेशन देखने को मिल जाएगा, और 1.70 की GHz की आपको प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर 16 GB रैम, 8 GB का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पे मेरा वाला जो है ये आपको देखने को, ये 16 GB रैम है, 8 GB का भी ऑप्शन है। और फिर यहाँ पे बात करें आप इससे पेन पेन और टच वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। गाइस यार अब बात करते हैं इसके ब्लूटूथ और ब्लूटूथ के डिवाइसेस के बारे में। तो गाइस यार आप इससे हर चीज़ आप अपने स्पीकर वगैरह, माउस, कीबोर्ड, पेन, ऑडियो वगैरह कुछ भी आप कनेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, और ब्लूटूथ प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्कैनर प्रिंटर वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, और फ़ोन भी यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं, और ब्लूटूथ कैमरा, ब्लूटूथ माउस वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, USB से भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है वो 5.2 है जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया वर्जन है। फिर बात करते हैं इसके वाईफाई के बारे में, वाईफाई जो है इसका आपको यहाँ पे मीडियाटेक का यहाँ पे वाईफाई देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 2.4 GHz की आपको यहाँ पे वाईफाई के पब्लिक नेटवर्क देखने को मिल जाता है जो कि बहुत फास्ट है, और यहाँ पे कॉल डायल अप वगैरह भी आप यहाँ से कनेक्ट करके कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। फिर यहाँ पे VPN वगैरह का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है।
फिर अगर आप पर्सनलाइज़ करना चाहें इस लैपटॉप को अपने हिसाब से, तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेक चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर थीम, फिर यहाँ लॉक वगैरह लगा सकते हैं। तीनों टाइप के आपको लॉक देखने को मिल जाएंगे, बायोमेट्रिक आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर इसलिए बायोमेट्रिक लॉक देखने को मिल जाएगा, और फिर पासवर्ड पिन वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। फिर फेस लॉक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप जो अच्छा लगे आपको वो लगा सकते हैं। वैसे अगर बात करें यहाँ पे आपको गेमिंग के लिए आपको यहाँ पे एक्सबॉक्स बार का यहाँ पे ऑप्शन देखें, और यहाँ पे गेमिंग मोड भी दिया है जो कोई पीसी को आपके गेमिंग के हिसाब से आपको वो करता रहेगा, मतलब कस्टमाइज़ अपने हिसाब से करता रहेगा। फिर यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सारा यहाँ पे। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया है, आप इस लैपटॉप को हर चीज़ के लिए ले सकते हैं। गेमिंग वगैरह भी अभी हम करते हैं, गेमिंग एडिटिंग वगैरह, तो देखते हैं उसमें कैसा ये परफॉर्मेंस देता है। गाइज़ अगर आप ये ले रहे हैं लैपटॉप एडिटिंग के लिए, तो इसमें चलिए खोल लेते हैं प्रीमियर प्रो। गाइज़ देखिए यहाँ पे अपना हो रहा है प्रीमियर प्रो ओपन, तो यहाँ खुल चुका है अपना प्रीमियर प्रो। चलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लेते हैं ऐसे ही। ओके गाइज़, हमने यहाँ पे खोल लिया प्रीमियर प्रो और एक प्रोजेक्ट भी बना लिया है। वैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी चलने में, ये देखिए कोई डिले वगैरह नहीं है, और अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे स्वाइप वाइप करूँ तो आराम से हो जाएगा, ये देखिए कोई डिले वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो वैसे मतलब आप यहाँ पे 8K 6K वीडियो भी यहाँ पे आराम से, मतलब 6K वीडियो तो आराम से एडिट कर ही लोगे, 6K वीडियो जनरली लोग 4K तक ही एडिट करते हैं, तो आप यहाँ पे 6K भी एडिट कर सकते हो। तो वीडियो एडिटिंग के लिए तो ये लैपटॉप बहुत अच्छा होने वाला है, और 100% sRGB डिस्प्ले के साथ ये तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे और बात करें अगर इसमें आपको फ़ोटो एडिटिंग करनी है तो वो भी हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर हमने खोल लिया है एक फ़ोटोशॉप, तो यहाँ पर चलिए फाइल को फटाफट से एक फ़ाइल को लेके आते हैं। तो वैसे खोल लेते हैं फाइल। तो वैसे देखिए जैसे हमने यहाँ अपना खोल लिया है अपना लोगो चैनल का। गाइज यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एक बनता ही है। नीचे लाल वाला जो बटन है उसे जाके दबा दीजिए, ये देखिए वहाँ लोगो है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए कुछ भी करते हैं, यहाँ पे इरेज वगैरह हो जा रहा है आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और फिर अगर यहाँ से हम कोई भी टूल आराम से देखिए कोई टूल यहाँ पे लाके, ये देखिए ये रहा हो गया। और फिर अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहिए देखिए यहाँ से टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है गाइस यार। और 100% sRGB डिस्प्ले तो फ़ायदा तो बहुत होने वाला वीडियो एडिटर्स और फोटो एडिटर वालों को, क्योंकि कलर करेक्शन वगैरह करने में तो गाइस हमने बहुत बात कर लिया एडिटिंग वालों के लिए। अब भाई जान हमारे गेमर भाई लोग भी तो हैं, तो गेमर भाई लोगों के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ उनके लिए लैपटॉप कैसा रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे चला लिया है अपना गेम खोल लिया है, तो जब तक गेम को ओपन हो रहा है तो गेम में हम लोग मिलते हैं फटाफट। गाइस यार यहाँ पे नेट के इशू आ रहा था इसलिए मैंने चला लिया है एसफल्ट फील्ड नाइट्रो, तो इसी से देख के पता चल जाएगा। तो चलिए ये देखिए हमने यहाँ पे, ओ भाई 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 इसका स्पीकर जो भाई आप आवाज़ सुनिए क्या आवाज़ यार, बहुत ज़्यादा लाउड इसका आवाज़ है गाइस यार कसम से। इसका साउंड थोड़ा धीरे करता होगा, ये फुल साउंड नहीं है, आप देखिए यहाँ पे 38 वगैरह है, 34, तब इतना ज़्यादा लाउड है। तो चलिए चला लेते हैं गेम। तो चलिए पहला वाला खेलते हैं यहाँ पे एक गेम और देखते हैं गेमिंग के लिए कैसा है ये। तो गाइस यार चलिए चालू कर लेते हैं गेम को, और फटाफट से यहाँ इसमें नाइट्रोजन ले लेते हैं। अभी हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है गेम, और देखते हैं गाइस अभी आप यहाँ पे FPS, अगर आप यहाँ पे गौर करें यहाँ पे FPS जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे नीचे कॉर्नर में देखिए यहाँ पे जो FPS है, अभी देखिए गेमिंग के टाइम 28, अभी 28 30 25 25 से 35 के बीच में यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या है। एक गया, दोनों गए, मिनी कूपर भी गया। तो गाइस यार कोई गेम में लैग नहीं है, ऐसा नहीं कि वो, और गाइस ये सबसे हाई सेटिंग है, और गाइस यार ग्राफिक्स आप गेम के देख ही सकते हैं। गाइस यार अब जो हमारी गेमिंग की वीडियोस आएंगी
उस पर हम इसी लैपटॉप में गेम प्ले करने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये लैपटॉप कैसा होगा। मैं यहाँ पे अपने थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं। गाइस लुक इट। वैसे आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, क्योंकि गाइस इतना ज़्यादा मेहनत सिर्फ आप लोग के लिए किया जाता है। वैसे मतलब आप अगर मुझे नीचे कमेंट बताना कि मेरा गेम प्ले कैसा है, और फिर ये भी बताना कि आपको ये गेम कैसा लगा, मतलब यहाँ पे फ्रेम रेट वगैरह कैसा लगा। लैग वैग तो मुझे नहीं दिखा, अगर आपको दिखा तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ यार अब बात कर लेते हैं इसका गेमिंग के लिए, तो आप इसे ले सकते हैं। आपने तो गाइस अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग क्या रहने वाली इन सब लैपटॉप की। प्राइसिंग बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, इन सब इन तीनों लैपटॉप में बस तीन चीज़ का डिफरेंस होगा। सब कुछ सेम है इन सब लैपटॉप में, तीनों लैपटॉप में सब कुछ सेम है। बस पहला डिफरेंस है कि या तो इन लोग का रैम अलग होगा, या दूसरा डिफरेंस इन लोग का SSD अलग होगा, और तीसरा डिफरेंस या तो इन लोग का प्रोसेसर अलग होगा। इनके अंदर तीन वेरियंट आते हैं। पहला वेरियंट जो है वो आता है i5, इंटेल का i5 आता है इसके अंदर, और 12 जनरेशन तीनों ही लैपटॉप हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला आता है i5, 8 GB RAM, 5.2 GB SSD, जो कि आपको इसका प्राइस पड़ जाएगा 60,000 to 65,000 मान के चलिए, इसी बीच में रेट रहेगा। पहली बार मैं बता दूं ये रेट घट बढ़ सकता है, क्योंकि आप जब सेल रहेगी उस टाइम नहीं रहेगी तो किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो गाइस जरा बात कर लेते हैं दूसरे लैपटॉप के बारे में। तो जो दूसरा वाला लैपटॉप है वो उसका प्रोसेसर सेम है, यानी i5 ही उसके अंदर आता है, 16 GB RAM लेकिन बढ़ जाती है, और 5.2 GB के SSD दोनों में आता है। तो इसका जो प्राइसिंग रहने वाला है इसका 70 to 75 मान के चलिए, इन दोनों लैपटॉप का मतलब ये वाले लैपटॉप का 70 से 75 के बीच का होता है। फिर बात कर लेते हैं तीसरे वाले लैपटॉप के बारे में। तीसरा वाला जो लैपटॉप है उसका ये 90,000 से मतलब 85 से और 95 के बीच में मान के चलिए, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिरता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता भी है। तो इसका प्राइसिंग ये रहने वाला है, इन्हीं के बीच में रहेगा। और इसका जो आपको मिल जाएगा इसके अंदर i7 मिल जाता है गाइस, बहुत तगड़ा प्रोसेसर है ये इंटेल का। i7 मिल जाएगा और 16 GB RAM मिल जाएगी और 1 TB की स्टोरेज मिल जाएगा, इसलिए इतना महंगा है। इसके अंदर तीनों चीज़ बहुत नेक्स्ट लेवल मिलती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।